नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 बजे की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें अब महज कुछ ही घंटे बचे हैं जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन आपको बता दें कि सबसे तेज नतीजे अगर आपको देखने हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर। 4 जून को लगातार हम आपको सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे। और सुबह 10 बजे की सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है, हम सीधे न्यूज रूम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनूप, क्या है बड़ी खबर इस वक्त? नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप, और सबसे पहले बात एग्जिट पोल के असर की करते हैं। जी हां, एग्जिट पोल का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जबरदस्त उछाल शेयर बाजार में देखने को मिला है। देखिए, पहली बार है कि शेयर स्तर पर चला गया है। सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त उछाल आया है। 1000 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी खुला है, जबकि सेंसेक्स की बात करें तो 2500 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स भी खुला है। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 50 पैसे मजबूत हो गया। देखिए, यहां मजबूती डॉलर के मुकाबले रुपया का भी बढ़ गई है। यह असर है, देखिए एग्जिट पोल का असर है कि लगातार शेयर बाजार तो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एग्जिट पोल के नतीजे बाहर आए, वो सारे के सारे यही बात के इंडिकेशन या निर्देश देते थे कि जो एनडीए की गवर्नमेंट वापस सत्ता में आएगी। अब ये मार्केट के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि मार्केट को हमेशा विजिबिलिटी और प्रेडिक्टिबिलिटी चाहिए। तो क्या होता है कि पॉलिसी में कंटिन्यूटी रहेगी और उस वजह से मार्केट को लगता है कि आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट करना वो चीज़ दे कैन प्रेडिक्ट। और उस वजह से सेंसेक्स आज बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ एग्जिट पोल इज अप बाय 2000 पॉइंट्स। तो शेयर बाजार में सकारात्मक असर नजर आ रहा है और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, शेयर बाजार एक बहुत बड़ा संकेत होता है, क्या संकेत दे रहा है इस तरह की बढ़त शेयर बाजार में, जबरदस्त उछाल देखने को मिली है? देखिए, जब से एग्जिट पोल आए, वो शनिवार का दिन था, शाम 6:30 बजे से शुरू हुआ था और हमने एग्जिट पोल सबसे पहले दिखाया था। मार्केट उस समय बंद हो चुका था और आज से एग्जिट पोल के बाद पहली बार मार्केट ओपन हुआ है। और ये मार्केट ओपन होते ही बताया उसने कि उसका मूड क्या है। उसने एग्जिट पोल को माना है कि वास्तव में एग्जिट पोल पर उसने भरोसा जताया है और यही वजह है कि बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। कारण यही है कि एग्जिट पोल के आधार पर बाजार ये मानता है कि जो 10 साल से सरकार आ रही है वो सरकार फिर वापस आ रही है, उस सरकार की नीतियां क्या हैं इसको देखते हुए उसके अंदर तमाम उछाल आया। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से रुपया अगर मजबूत हुआ है तो 10 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, आज सीधे 50 पैसे के आसपास रुपया मजबूत हुआ है। तो ये एक बड़ी उछाल है और एक बड़ा उत्साह है मार्केट में, अगर ये मार्केट को पढ़ा जाए तो, क्योंकि उसने एग्जिट पोल को भरोसा किया है और एग्जिट पोल के आने के बाद जब पहली बार मार्केट खुला है तो उसने अपना रंग दिखाया है कि हाँ, ये सरकार वापस आ रही है, जो इस सरकार की पॉलिसीज है जिस 10 साल से चलती आ रही है वही आगे चलेंगी। इसका मतलब है कि मार्केट में अच्छी तरह ग्रोथ होगा, मार्केट के फेवर में काम होगा। ये सारी चीजें मार्केट ने रीड किया है और इस एग्जिट पोल पर भरोसा करने के बाद ये रिजल्ट जो उछाल आया है, ये तब तक ये लगातार अब ये उम्मीद की जा रही है कि ये बरकरार रहेगा, क्योंकि एग्जिट पोल के बाद कल जब एग्जिट पोल आएगा उसमें भी करीब करीब यही आंकड़े सामने होंगे और मार्केट ने भी ये मान लिया है कि अब ये जो एनडीए की सरकार है, एनडीए 3.0 आने वाली है और जो सरकार की नीतियां हैं यही चलेंगी। सरकार की नीतियों में मार्केट के लिए बहुत कुछ था, जैसे कि स्टार्टअप, आपने देखा कि स्टार्टअप को लेकर मार्केट में कितने नए स्टार्टअप आए। लगातार प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे हैं कि हमने कितने स्टार्टअप ऐसे शुरू किए जो कि करोड़ों और अरबों में पहुंच गए। और ये जो ग्रोथ है, ये जो ये देश का जो माहौल है, ये बताता है कि अब जो सरकार आ रही है, जो सरकार बिल्कुल अखिलेश शेयर बाजार सेंटीमेंट पे चलता है, लोगों की भावनाओं पर चलता है और ऐसा लग रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यू भी चाहता है, स्थायित्व चाहता है कि जो पॉलिसी है वो बरकरार रहे और वही का उसी का जो असर है वो फिलहाल शेयर बाजार में नजर आ रहा है। जबरदस्त उछाल, ऐतिहासिक उछाल देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच एक और खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के नाम पहले लेख लिखा और अब उन्होंने अनुभव साझा किया।
कन्याकुमारी में बिताए हुए समय के बारे में वो लिखते हैं। उन्होंने पोस्ट किया है कन्याकुमारी में ध्यान पर कहा है कि कन्याकुमारी संगमों की संगम की धरती है। कन्याकुमारी में साधना का सौभाग्य मुझे मिला, ये मेरे जीवन की एक अमूल्य पूंजी है। 45 घंटे तक उन्होंने यहाँ पर साधना की, चिंतन मनन से हृदय में नया उमंग उत्साह उत्पन्न हुआ है। भावों को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, लिखा है कि जो उनके अनुभव है उन्हें वो शब्दों में पिरो नहीं पा रहे हैं। वो जो भावना उन्होंने वहाँ पर महसूस की वो बहुत कठिन है। और वैसे ही जो पवित्र स्थान है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ स्थान है, यहाँ पर प्रधानमंत्री को 45 घंटे तक रहने का मौका मिला। यहाँ उन्होंने ध्यान मनन किया और उन्होंने ये पहले ही कहा कि वो विकसित भारत का सपना देखते हैं और उस पर कार्य करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर चिंतन मनन किया।